हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स पहले से दे चुका हूँ, आप लोग ट्राई किए होंगे। द सॉल्यूशंस आर हियर इन दिस वीडियो, आप थोड़ा इसको वॉच करो। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थोड़ा याद कर लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली कर पाएंगे। पहला हुआ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के बारे में यू नो, पी इज अलोंग वाई एक्सिस, वी इज अलोंग अब्सिसा, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डेल्टा डब्ल्यू वार्डन इज गिवन बाय एरिया अंडर द डायग्राम। ये आपको मालूम है, बस आपको जो चीजें मालूम है उसी को मैं एक बार लिख देता हूँ। एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर द डायग्राम में भी ए पॉजिटिव वर्क व्हिच इज फॉर एक्सपांशन, में भी ए नेगेटिव वर्क व्हिच इज फॉर कंप्रेशन। ये एरो मार्क डिसाइड करेगा, ये एरो मार्क में एक्सपांड हो रहा है तो इसके नीचे जो एरिया आएगा वो एक्सपांशन वर्क है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव वर्क। पीवी डायग्राम में ये जो पीवी इज इक्वल टू एन, पीवी टू द पावर एन इज ए कांस्टेंट, दिस इज फॉर ए जनरल मेथड, जनरल प्रोसेस। ये एन को क्या कहते हैं? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पीवी डायग्राम में ये जो पीवी टू द पावर एन इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वैसे भी हम जानते हैं कि दैट यूनिवर्सल गैस इक्वेशन सेज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर एन इज कॉल्ड सिस्टम पैरामीटर, पीवीटी आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, आर इज ए कांस्टेंट, यू नो गैस कांस्टेंट। अब पीवीटी तीनों वेरी करेंगे, तीनों वेरिएबल है, किसी भी सिस्टम में तीनों वेरिएबल है। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? अगर पीवीटी बदल रहे हैं तो हम कहेंगे वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। एनी ऑफ दिस पैरामीटर अगर बदल गया, सिर्फ पी बदल गया, सिर्फ भी बदल गया, सिर्फ टी बदल गया, पीवी बदल गया, पीटी बदल गया, वीटी बदल गया, या फिर तीनों बदल गया, कुछ भी बदल गया पीवीटी में से, तो हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। और इससे एक चीज और भी सामने आता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में से पी और वी को कांस्टेंट रखने से टी नहीं बदल सकता। पी और वी को कांस्टेंट रख के टी को बदल सकते हैं क्या? सिंगल पैरामीटर कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि पीवी अगर कांस्टेंट हो गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआर तो कांस्टेंट है, पीवी को भी आप कांस्टेंट कर दे तो टी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। तो पीवीटी जो तीनों को बदलना है, तीनों में से कम दो को बदलना है, सिर्फ एक को बदलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आप देखोगे पी वी टी जो तीनों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है उसमें से कम दो बदल रहे होंगे या फिर तीनों बदल रहे होंगे। सिर्फ एक को बदलना है, टेम्परेचर को बदलना है, प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को बदलना है, इम्पॉसिबल है। तो जो हम किसी एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, पीवी टू द पावर एन इज ए कांस्टेंट, फिर एन इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। वैसे सिलेबस में हमें चार प्रोसेसेस पढ़ाया जाता है, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। जबकि कोई अगर पूछेगा हाउ मेनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर देयर, यू से देयर आर इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। एन का वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस देखते हैं, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। पीवी डायग्राम के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ स्लोप ऑफ द डायग्राम। स्लोप ऑफ डायग्राम किसी भी पॉइंट पे अगर निकालोगे तो इट इज गिवन बाय डीपी बाय डीवी, एंड इन जनरल इट इज गिवन बाय एनपी बाय वी विथ माइनस साइन। अब ये माइनस साइन रहेगा नहीं रहेगा डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एन के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन जनरल मैं ये एन को कुछ ऐसे लिखूंगा माइनस प्लस एन पी बाई वी, पी इज ए प्रेशर, मतलब जब प्रेशर पी है वॉल्यूम वी है तब स्लोप कितना है, माइनस प्लस माइनस एन पी बाई वी, माइनस होगा कि प्लस होगा वो डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के ऊपर। हमारा जो प्रोसेसेस है उसमें तो ये अलग माइनस ही जाता है, ठीक है। खैर ये हो गया। दूसरा चीज हुआ अबाउट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, मैं उनका वैल्यूज लिख के रखा हूं क्योंकि आज न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगा। तो इन जनरल कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम कहेंगे पीवी टू द पावर एन इज ए कांस्टेंट, एन इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एन अगर जीरो हुआ तो पीवी टू द पावर जीरो मतलब पी इज ए कांस्टेंट, यू कॉल इट ए आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। उसमें डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू आप कहोगे पीवी टू माइनस पीवी वन, दैट इज पीडीवी, पीवी टू माइनस पीवी वन बिकॉज पी इज कॉन्स्टेंट। तो P अगर कांस्टेंट है तो आप कहोगे कि इसमें आप PV2 इज सेम एज NRT2, PV1 इज सेम एज NRT1, डिफरेंस निकालो तो NR डेल्टा T। डेल्टा Q
NCP delta T by fundamental definition itself. Molar specific heat is same as Cp. If you go for n is equal to 1, n is equal to 1 means Pv to the power 1 is a constant, Pv is a constant, Pv is a constant means temperature is also constant. But temperature constant ho gaya, so hum kya kahenge? The process becomes isothermal. Means temperature constant. So what is the change in internal energy? NCV delta T. Delta T to 0 hai. So change in internal energy 0 hua. Work का फॉर्मूला है nRT ln V2 by V1 और P1 by P2 आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि डेल्टा U 0 है by first law of thermodynamics डेल्टा Q is डेल्टा W plus डेल्टा U so डेल्टा Q is also same as डेल्टा W nRT ln V2 by V1 now what is C molar specific heat you know the generalized formula for C is डेल्टा Q by n डेल्टा T अब यहाँ पर डेल्टा T 0 है तो C का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस यू से इट इज इनफाइनाइट क्लियर क्यों बता रहा हूं अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे कांसेप्ट को जानना याद रखना बहुत जरूरी ठीक है और इंटरेस्टिंग है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W ये सारे चीजों को आप याद रखना नाउ व्हेन n इज इनफाइनाइट n इज इनफाइनाइट मींस P V टू द पावर इनफाइनाइट Now, PV to the power infinite is a constant, can be written as P to the power 1 by infinite into V is a constant. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सोचो तो, PV square is a constant, means root over of P into V is a constant. ठीक है, infinite root, and P to the power 1 by infinite is P to the power 0, this becomes 1, so V is a constant. So, N is equal to infinity represents the isochoric process. डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी वार्डन आइसोकोरी के भाई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वार्डन इज जीरो हियर डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चल रहा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इट इज सेम एज एनसीवी डेल्टा टी दैट मींस ऑल द हीट यू आर सप्लाइंग टू द सिस्टम इज कन्वर्टिंग इनटू इंटरनल एनर्जी नो वर्क इज डन हमारे क्लास में भी कुछ बच्चे हैं ना जितना भी एनर्जी दे दो नो वर्क इज डन खाली एनर्जी अंदर बढ़ता है ना अच्छा तो ये हो गया सी का वैल्यू क्या होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यू नो इट इज कॉल्ड सीवी सो ये बन गया सीवी एन इज इक्वल टू गामा पीवी टू पावर गामा क्या रिप्रेजेंट करता है एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एनी फास्ट सडन प्रोसेस इतना जल्दी प्रोसेस हो गया कि अंदर से हीट बाहर जाने के लिए मौका नहीं पाया या फिर बाहर से हीट अंदर आने के लिए मौका नहीं पाया या फिर कोई एक इंसुलेटिंग वेसल के अंदर कोई गैस को कंप्रेस कर दी इंसुलेटिंग है तो हीट बाहर नहीं जा पा रहा है ना ही बाहर से अंदर आ पा रहा है इफ डेल्टा क्यू इज जीरो यू कॉल इट एन एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सक्यूज मी जब एन का वैल्यू गामा हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा यू एनसीवी डीटी डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस वन मैं इस चीज को थोड़ा ऐसे भी समझा सकता हूं क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू इस चीज को आप ऐसे समझो या समझो माइनस ऑफ एन सी वी डेल्टा टी क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू हो गया जीरो तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस ऑफ डेल्टा यू में माइनस साइन डालो तो डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए यू कैन फॉलो माइनस एनसीवी डेल्टा टी और यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला एज P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1 समझ में आया एंड व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी और डेल्टा क्यू यहां पे 0 है तो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस इज 0 तो मेरे ख्याल से ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग भी अच्छे बच्चे हो तो सारा चीज याद रखे होगे चलिए अभी वो सारे न्यूमेरिकल को हम लोग एक एक करके करते हैं लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉलोइंग मैं आपको कुछ रीजनिंग दिया हूं यहां पर सोच के बताना है कि इसमें कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है पहला क्या दिया है देखो बर्स्टिंग ऑफ बलून जब कोई बलून बर्स्ट करता है कैसे बर्स्ट करता है धीरे धीरे बर्स्ट करता है कि सडन बर्स्ट करता है मतलब इसके अंदर की जो गैस था वो सडन एक्सपांड हो जाता है
तो ना बाहर से कोई हीट अंदर जा पाता है, ना हीट अंदर से कुछ बाहर जा पाता है, उससे पहले एक्सपांशन खत्म। इट इज सच ए फास्ट प्रोसेस। सो आई विल से द बर्स्टिंग ऑफ बलून इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये हो गया कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। रिमेंबर एनी फास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एन एडियाबेटिक प्रोसेस। पंपिंग ऑफ बाइसाइकिल, जब आप बाइसाइकिल पंप करते हैं, हम धीरे धीरे पंप नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पुश करते हैं। जब पुशिंग द पिस्टन वेरी फास्ट, तो जो कंप्रेस होने के कारण हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बट हीट को बाहर भागने के लिए मौका ही नहीं मिलता, उससे पहले कंप्रेशन खत्म है कि नहीं। सो पंपिंग ऑफ बाइसाइकिल, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज ऑल्सो एडियाबेटिक प्रोसेस। हीटिंग ऑफ एयर इन ए क्लोज्ड रिजिड वेसल, कोई क्लोज्ड रिजिड वेसल है उसमें एयर को गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई? रिजिड है, ये एक्सपांड नहीं कर सकता, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यू गॉट इट, व्हाट इज दैट? आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, सो आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑल द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, मतलब जितना भी आप हीट दोगे सारा का सारा एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इज डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अगर डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया जीरो, डेल्टा यू जीरो है। डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी जीरो हो गया, मतलब आपको हो गए, इसका मतलब हुआ एन सी वी डेल्टा टी ये हो गया जीरो, मतलब डेल्टा टी जीरो, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो कौन सा प्रोसेस बनेगा? आइसोथर्मल, because delta T is zero, as delta T is zero you will call it an isothermal process। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ ताकि काफी बच्चों को नोट बनाने की आदत है, वो बना लेंगे यहाँ से। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ। Yes, NCV delta T is equal to zero implies T is constant। तो ये कौन सा प्रोसेस बन गया? कौन सा प्रोसेस बन गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। वार्डन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, वार्डन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मतलब आपका डेल्टा डब्ल्यू जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। सोचते हैं, हम जानते हैं कि इन आइसोबारिक प्रोसेस जो आपका डेल्टा डब्ल्यू होता है वो होता है पी डी वी, वी टू माइनस वी वन, बट प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो पी वी टू की पी वी टू की जगह लिख सकते हो एन आर पी टू, और पी वी वन की जगह लिख सकते हो एन आर टी वन फ्रॉम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। सो यू फाइंड इट इज एन आर टी टू माइनस टी वन, हो गया ना? डेल्टा डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एंड अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करोगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में भी आप जानते हो कि जो वार्डन है दैट इज सेम एज माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ एन सी वी डेल्टा टी, अगेन दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो अगर हम कहेंगे कि वार्डन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, देन इट कैन बी एन आइसोबैरिक प्रोसेस और एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो दोनों आंसर यहां पर वैलिड है, हम लिखेंगे आइसोबैरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में वार्डन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, एनसीवी डेल्टा टी है। तो जो भी हीट देते हो सारा टेम्परेचर बढ़ाने में काम में लग जाता है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओह सॉरी, ऑल द हीट सप्लाइड, सॉरी, ऑल द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन रेजिंग द इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका क्या मतलब है? डेल्टा डब्ल्यू जीरो है। डेल्टा डब्ल्यू कब जीरो होता है? इन द गैस नीदर एक्सपांड नॉर गेट कंप्रेस्ड, क्योंकि वार्डन इज इन जनरल गिवन बाय पीडीवी। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वार्डन इज जीरो। नो चेंज इन वॉल्यूम मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस। सो द प्रोसेस इज आइसोकोरिक।
वार्डन इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम वी टू 4V एट एनटीपी, सेम एज वार्डन इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम 4V टू 16V एनटीपी में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में और एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में वॉल्यूम को 4 से V से 4V एक्सपांड करने में जितना वर्क होता है, 4V से 16V एक्सपांड करने में उतना ही वर्क होता है। मतलब देखो वॉल्यूम को चार गुना करने में यहाँ पर भी वॉल्यूम चार गुना हुआ है, 4V टू 16V करेंगे यहाँ पर भी वॉल्यूम चार गुना हुआ है। नहीं मतलब वॉल्यूम रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है वर्क। और आपको याद होगा कि कोई एक वर्क का हम फॉर्मूला पढ़े थे जो कुछ एनआरटी लॉन्ग V2 बाई V1 था, सो इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम रेशियो। जब तक वॉल्यूम रेशियो बराबर रहेगा चाहे वी से 4V या 4V से 16V वार्डन विल बी सेम। अब ये आपका काम है बताना कि ये कौन सा प्रोसेस का वर्क था। इट वॉज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यू गॉट इट, नाउ इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके वार्डन इज जीरो, नो वर्क इज डन, नो एक्सपांशन, नो कंप्रेशन, मींस वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो कौन सा प्रोसेस बन गया ये आइसोकोरिक, ये सबसे आसान वाला था, आप लोग फटाफट बता दिए होगे। नेक्स्ट वन स्पेसिफिक हीट इज इनफाइनाइट, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट इज इनफाइनाइट। हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है इट इज डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। सी इनफाइनाइट कब होगा, जब डेल्टा टी जीरो है। नहीं सी इज इनफाइनाइट मतलब डेल्टा टी इज जीरो मतलब टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट इज जीरो, अब देखो फिर से रिपीट करते हैं सेम चीज को, स्पेसिफिक हीट इज जीरो मतलब सी इज जीरो। ये जीरो कब होगा भैया, ये जीरो तब होगा जब डेल्टा क्यू होगा जीरो मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये सारे इंपोर्टेंट दाव पेज को आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर, अच्छा मैं आपको वे मोशन चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, टेक इट ग्रांटेड जब मैं वे मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं जस्टिफाई करूंगा व्हाई प्रोपेगेशन ऑफ एयर इज ए एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है वहां पर एक लाप्लास करेक्शन आएगा है ना, तब देखेंगे हम जस्टिफाई करेंगे कि इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम कहेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे आगे हम लोग वेव मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। लास्ट वाला इज स्लो हीटिंग ऑफ गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर विथ फ्लोटिंग पिस्टन। स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर विथ फ्लोटिंग पिस्टन। थोड़ा देखें सपोज हमारे पास कोई एक वर्टिकल सिलेंडर है और यहाँ पर कुछ गैस है, यहाँ पर कोई एक पिस्टन है जो कि फ्लोट कर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस है वो गैसेस क्या हुए, दे आर गेटिंग कंप्रेस्ड। वो कंप्रेस्ड होने के कारण क्या हो रहा है, ये पिस्टन को गिरने नहीं दे रहा है। मतलब पिस्टन का अपना वेट है और ये अंदर का प्रेशर के चलते कुछ फोर्स आ रहा होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो आप कहोगे ये पिस्टन अगर फ्लोट कर रहा है तो आप कहोगे प्रेशर इनटू एरिया द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg, तो प्रेशर क्या हो गया mg/a। ठीक है स्लो हीटिंग, अगर हम धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं तो गैस धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, ये पिस्टन धीरे 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 ऊपर जाएगा। व्हेन समथिंग इज मूविंग स्लो देयर इज नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, इट इज स्लोली एक्सपांडिंग, स्लो हीटिंग बोला है, स्लोली एक्सपांड कर रहा है तो स्लोली ऊपर जा रहा है। देयर इज नो एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन मींस नो स्यूडो फोर्स, मतलब जब ये मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी में तब भी PA विल बी इक्वल टू mg और P विल बी mg/a। मतलब जब भी पिस्टन धीरे-धीरे उठ रहा होगा प्रेशर वही रहेगा mg/a। अगर स्लो हीटिंग के जगह क्विक हीटिंग करते, फास्ट हीटिंग करते, ये सडनली हीट लेता, बहुत जोर से एक्सपांड करता, ये फेंका जाता ऊपर की तरफ, तो mg के साथ साथ एक स्यूडो फोर्स ma भी आ जाता नीचे की तरफ और यहां पर क्या हो जाता, P into A इज इक्वल टू mg + m into acceleration। लेकिन ये स्लो हीटिंग वाला केस है, सो प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर विद ए फ्लोटिंग पिस्टन, रिमेंबर दिस इज ए टिपिकल केस, इज एन आइसोबारिक प्रोसेस बिकॉज द प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज्ड, कौन सा प्रोसेस है,
प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बदल गया, कौन सा प्रोसेस है? अरे भाई हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT, अगर प्रेशर भी ये दोनों तो ऐसे ही कांस्टेंट है, इसको और इसको कांस्टेंट कर दिए, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए तो भी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं? प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर भी को बदलने की कोशिश करेंगे ये बेवकूफी नहीं, ये नामुमकिन है। तो कहेंगे क्या क्या प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए वॉल्यूम बदल सकता है? तो लिखेंगे नो, नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो नहीं सकता। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, पीटी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पीटी डायग्राम, पी वर्सेस टी डायग्राम, पी वर्सेस टी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सपोज ऐसा है कोई पीटी डायग्राम, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है कि इट विल पास थ्रू ओरिजिन, हो सकता है, क्या दिया है, दीजिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये डायग्राम देखिए क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे देते हैं, y इक्वल टू mx, मतलब p इक्वल टू m टाइम्स t, p इक्वल टू m टाइम्स t का मतलब हुआ p इज प्रोपोर्शनल टू t, इसका मतलब ये हो गया p इज प्रोपोर्शनल टू t। ऐसा कब होता है? PV is equal to nRT में P proportional to T कब होगा? जब ये और ये constant है, ये तो already constant है, अगर ये constant हो जाएगा तो P is proportional to T, so इसका मतलब हुआ V is constant, मतलब ये कौन सा process है? Isochoric process, P is proportional to T, T को double करो pressure double हो जाता है, मतलब V constant है, silent है, V constant है, मतलब isochoric process हो गया। सोचिए The process which PV diagram is a rectangular hyperbola. अब कोई process जिसका PV diagram is a rectangular hyperbola. Suppose ये P है, ये V है. Rectangular hyperbola कब कहते हैं? आप यहाँ पे कोई एक point लो और मान लो कि ये pressure P1 है, ये volume V1 है. और यहाँ पे कोई दूसरा point ले लो और मान लो कि ये volume V2 है, pressure P2 है. ये curve को हम rectangular hyperbola तब कहेंगे जब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया जितना है, ये रेक्टेंगल का एरिया उतना ही है, तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल का एरिया मेरा निकालो, सारा रेक्टेंगल का एरिया अगर बराबर हुआ तो हम कहेंगे इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सारा रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा का मतलब क्या? ये जो एरिया है V1, ये है P1, ये एरिया क्या है P1 और ये एरिया P2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब हो गया P1 इज इक्वल टू P2। ऐसा कब होता है भैया? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड यू नो PV इसको ले रहा थी, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ T इज कांस्टेंट। और प्रोसेस के बारे में क्या कहें, आपको मालूम है ये आइसो थर्मल है, the process is isothermal। नोट बनाने के लिए तो मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग समझदार हो, आपको समझ में आ रहा होगा, the process is isothermal। Slow compression of gas in insulating vessel। कोई गैस को धीरे-धीरे कंप्रेस कर रहे हैं, किसमें, कोई एक इंसुलेटिंग वेसल के अंदर। इंसुलेटिंग वेसल का मतलब ना हीट बाहर जा सकता है ना हीट अंदर आ सकता है। There is no heat transaction between system and surrounding। अगर system और surrounding के बीच में कोई heat transaction नहीं है, उसको कौन सा process कहते हैं? Adiabatic process। तो आप कहोगे delta Q is zero, so it is adiabatic process। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, next। Sudden expansion of gas in copper vessel। Sudden expansion of gas in a copper vessel. Now the vessel is copper conducting. Heat can flow out or go in. But gas is suddenly expanded. पहले भी बता चुके हैं, any sudden process is an adiabatic process. No change in internal energy. मतलब delta U is NCV delta T is zero. मतलब T is constant, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल। वार्डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब
डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ये कौन सा होता है? आप जानते हो जब डेल्टा क्यू जीरो है। प्रोसेस हो गया एडियाबेटिक। पीवी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस इंडिकेटिंग डाउनवर्ड। क्या दिया? पीवी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। सोचो तो ये है पीवी डायग्राम, ये पी है, ये वी है, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ऐसे, और किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोक्रिक हो गया, लेकिन इंडिकेशन दिया है डाउनवर्ड। कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हम कोई चीज की चीज को हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आइसोक्रिक प्रोसेस में भी कांस्टेंट होने के कारण P इज प्रोपोर्शनल टू T, फिर P इज प्रोपोर्शनल टू T, T बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, सो हीट सप्लाई करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर घट रहा है मतलब टेम्परेचर घट रहा है, मतलब ये हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब दिस इज ए आइसोकोरिक कूलिंग मेथड। सो इट इज आइसोकोरिक कूलिंग, ठंडा हो रहा है इसलिए टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में यू नो भी इज ए कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। वीटी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब सिमिलर क्वेश्चन है भाई, आप लोग तो कर सकते हो। वीटी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इसको एक्सटेंड करोगे तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन, मतलब भी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ऐसा कब होता है? फिर पी इज कॉन्स्टेंट कब होगा? आइसोबारिक प्रोसेस में। पीवी टू द पावर एन इज कॉन्स्टेंट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट दिया है। पीवी टू द पावर एन इज ए कॉन्स्टेंट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पी टू द पावर वन बाई एन इंटू भी इज ए कॉन्स्टेंट। यस, जब n का वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये बन गया p टू द पावर 1 बाय इनफाइनाइट इनटू v इज ए कांस्टेंट। 1 बाय इनफिनिट हो गया 0, p टू पावर 0 इज 1, सो v इज कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ भैया? आइसोकोरिक। क्या बात समझ में आ रहा है? आई होप आई हैव गिवन यू नेसेसरी एलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब चलो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, लेट्स 20 कैलोरी ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड द वर्क डन एंड राइज इन टेम्परेचर। 20 कैलोरी ऑफ हीट वाज सप्लाइड, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाए। डेल्टा क्यू इज 20 कैलोरी, गैस को दिया गया है सप्लाइड टू ए गैस, सो विल राइट प्लस 20 एट कांस्टेंट प्रेशर, सो पी इज कांस्टेंट। किसको दिया गया है? हाइड्रोजन को दिया गया है, एंड गामा फॉर हाइड्रोजन से डायटमिक गैस यू नो इट इज 7/5, फाइंड वाटर एंड राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, आप जानते हो कि डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला है? एन सी पी डेल्टा टी, और आपका डेल्टा डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला है? एन आर डेल्टा टी, वाटर इन आइसोबारिक प्रोसेस। PdV है PV2 - PV1, PV2 की जगह NRT2, PV1 की जगह NRT1, मिल गया क्या? NRT2 - T1, फाइन। सो डेल्टा W इज NR डेल्टा T। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकाल लेते हैं, चलो निकालते हैं, व्हाट इज डेल्टा W / डेल्टा Q। डेल्टा W / डेल्टा Q क्या हो जाएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी NR डेल्टा T / एन सी पी डेल्टा टी, बिकॉज इट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, द मोलर स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड सी पी, सो इट इज सी पी डेल्टा टी। सब काट पीट के क्या मिला इसे? आर बाय सी पी, जबकि सी पी का फॉर्मूला आपको मालूम है, गामा आर बाय गामा माइनस वन, वैल्यू डाला जाए गामा आर बाय गामा माइनस वन, सो इट कम्स आउट टू बी गामा माइनस वन बाय गामा, जबकि गामा का वैल्यू कितना है? 7/5, so 7/5 minus 1, 2/5 by 7/5, so it is coming 2/7। बहुत डिटेल्स में लिखने से ज्यादा समय जाएगा, मैं थोड़ा ओरल कैलकुलेशंस कर लेता हूं, ये आप जंप कर सकते हो, गामा का वैल्यू डालें यहां पे और कर लिए 2/7। ठीक है, एक बार ये हमें मिल गया, हम कहेंगे
डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू इज 2/7 टाइम्स डेल्टा क्यू। कितना हीट दिए थे, 20 कैलोरी, सो 2 × 20/7 कैलोरी ऑफ वर्क इज डन, 1 × 40/7 कैलोरी वर्क इज डन, दैट इज 40/7। अच्छा हम जानते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू हो एनआर डेल्टा टी है, एनआर डेल्टा टी है, इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि थोड़ा यहां पे इसको लिख देते हैं, थोड़ा जगह बनेगा, सो सीपी का वैल्यू को भी मैं यहां पे डाल दिया, ठीक है, और ये हमें मालूम है तो थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैं अरेंज कर रहा हूं चीजों को, यू गेट इट नाउ, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार ये सारे चीजें हमें मिल गए, हमारा काम आसान हो गया। तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया ये 40/7 कैलोरी, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू हम पहले से जानते हैं क्या है, वो एनआर डेल्टा टी, सो एन आर डेल्टा टी इज इक्वल टू 40/7, एन दिया है 2 मोल्स, नहीं आर यू नो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, तो आपको हो गया आर का वैल्यू है 2, हियर आर इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन और एन का वैल्यू दिया है 2, 2 हो गया 4, तो डेल्टा टी इज ये भी 2 है ये भी 2 है 4 हो गया, डिवाइड कर दो 10/7 डिग्री सेल्सियस, सो द चेंज इन टेंपरेचर इज 10/7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताओ कोई पूछेगा एब्सोल्यूट स्केल में बताओ व्हाट इज द चेंज इन टेंपरेचर, शुड आई एड 273 टू दिस, नो, चेंज इन टेंपरेचर सेल्सियस स्केल में जितना होता है एब्सोल्यूट स्केल में उतना ही होता है, बिकॉज चेंज इन टेंपरेचर इज T2 - T1, सेल्सियस स्केल में करोगे तो T2 - T1, एब्सोल्यूट स्केल में इसके साथ 273 जोड़ोगे इसके साथ 273 जोड़ोगे डिफरेंस निकालोगे तो दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, मतलब अगर चेंज इन टेंपरेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एब्सोल्यूट स्केल में कितना होगा, सेम 10 केल्विन, समझ में आया, डिफाइन, सो यू गॉट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, इफ 40% ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क देन व्हाट इज सीपी फॉर द गैस, 40% हीट सप्लाइड टू ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पी इज कांस्टेंट, हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू जो बता चुके हैं उसी आइडिया को थोड़ा फिर से यूज कर सकते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या था, गामा माइनस वन बाई गामा, तो आप हो गए गामा माइनस वन बाई गामा एंड दैट इज गिवन 40% 40/100, क्लियर, दैट इज 40/100 और आपको पूछा गया सीपी का वैल्यू, तो आप कहोगे गामा बाई गामा माइनस वन कितना हो जाएगा 100/40, दैट इज सेम एज 2.5, और आपको क्या पूछा गया सीपी, सीपी क्या है, सीपी इज गामा आर बाय गामा माइनस वन, और अगर आप इसको आर को 2 ले लेते हो इट इज कमिंग 5 कैलोरी पर मोल केल्विन, क्योंकि आर का वैल्यू 2 है, क्योंकि आर का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 2 है तो गामा बाय गामा माइनस वन हो गया 2.5 × 2 = 5 कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना सिंपल क्वेश्चन, दिखने में डरावना लगता है लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो चीजें काफी आसान है, ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ द मेथड्स प्रोसेसेस और द थिंग्स इन्वॉल्व्ड डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू ये सब चीजें कैसे बदल रहे हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं, होपफुली माय वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, सर्टेन हीट सप्लाइड टू ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, certain heat supplied to a sample of hydrogen at constant volume raises the temperature by 20 degree centigrade at constant volume, V is constant, when you supply some heat you find there will be a change in temperature because no work is done, और क्या दिया है, call it delta T1 is given 20 degree celsius, जब P constant है आप जानते हो डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, कॉल इट डेल्टा टी टू, इफ सेम हीट इज सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर
पी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, सेम डेल्टा क्यू देंगे, तो मान लो कि टेम्परेचर डेल्टा टी टू बढ़ गया, बोले यहां पर डेल्टा क्यू हीट दिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, टेम्परेचर डेल्टा टी वन बढ़ा, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम हीट दिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर डेल्टा टी टू बढ़ा और पूछा है बताओ डेल्टा टी टू कितना है। अरे भाई इतना आसान है क्योंकि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो आपको मिलेगा, डिवाइड करो बोथ दी साइड्स, इधर तो हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू इज वन, इधर एन एन कैंसिल हो गया, सीवी बाय सीपी है कि नहीं, सीवी बाय सीपी, और इधर क्या आ गया डेल्टा टी वन बाई डेल्टा टी टू। हमें डेल्टा टी टू पता करना है, डेल्टा टी टू क्या हो जाएगा, इट इज सीवी बाई सीपी, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज सेम एज वन बाई गामा, क्योंकि गामा होता है सीपी बाई सीपी, गामा होता है सीपी बाई सीपी, ये सीपी बाई सीपी हो गया तो वन बाई गामा हो गया है ना, ये वन बाई गामा बाय और इनटू डेल्टा टी वन, डेल्टा टी वन कितना है, डेल्टा टी वन दिया है 20, और ये बात चल रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए गामा कितना है 7/5, रीडिंग सो गामा की जगह अगर 7/5 लिखते हैं, यू नो गामा की जगह अगर 7/5 लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा डेल्टा टी टू का वैल्यू, जर्सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टू, इसके जगह 7/5 लिखो तो हो गया 5/7, इट इज कमिंग आउट टू बी 100/7 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि गामा फॉर हाइड्रोजन आपको याद रखना है डाई एटॉमिक है तो ये 7/5 है। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए, हम क्यों वेट करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग पॉज लगा के नोट करना, लाइक तो पक्का मारना है इसमें है ना, कुछ बेवफा स्टूडेंट्स होते हैं वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हैं कभी लाइक नहीं मारते, अरे टू एनकरेज द टीचर की यस आई हैव सीन आई एम बेनिफिटेड, थोड़ा सा तो करो कुछ यार, ठीक है। इन दैट वे व्हाट हैपेंस यू नो व्हेन ए वीडियो पर्टिकुलर वीडियो गेट्स मोर लाइक्स नो दैट गेट्स ए फ्लोट इन द यूट्यूब, सो ऑल योर फ्रेंड्स अदर्स ऑल्सो विल बी गेटिंग इंप्रेशंस कि ये जाएगा कि वीडियो उनके पास पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली पहुंचेगा जब ये ज्यादा फ्लोट में आ जाता है, कोई भी सर्च करेगा थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के ऊपर तो उसको वीडियो मिल जाएगा, सो अदर्स विल बी आल्सो बेनिफिटेड, ठीक है। तो लाइक करने की जो वीडियो अच्छा लगा, अब अच्छा नहीं लगा बकवास है तो बेकार का लाइक मत करो, ये तो फिर चपलूसी हो गया, अगर आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना जरूरी है, ये एक ओब्लिगेशन है, ये एक ओब्लिगेशन है, ओके, इन दैट वे यू हेल्प योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, What fraction of heat supplied to helium at constant pressure is utilized in doing external work? अरे ये भी तो ऐसे ही काम हो गया, डेल्टा W by डेल्टा Q पूछा है, What fraction of heat supplied to helium at constant pressure is utilized in doing external work? You know delta W by delta Q is gamma minus 1 by gamma, कौन सा प्रोसेस में, constant pressure प्रोसेस में, और gamma for helium ये कितना है 5/3, तो डालो 5/3 माइनस 1 हो गया 2/3 बाई 5/3 सो इट इज 2/5 दैट इज इक्वल टू 40%, 40% ऑफ हीट सप्लाई टू हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट हीट, हां इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, सो 60% ऑफ हीट सप्लाइड कन्वर्ट्स इनटू इंटरनल एनर्जी एंड 40% ऑफ हीट सप्लाइड कन्वर्ट्स इनटू वर्क डन, फाइन। आगे हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 4 मोल्स ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेंटीग्रेड सो दैट इट्स वॉल्यूम डबल्स, अरे तो प्रोसेस में पूरा सब कुछ सिंपल दे दिया, क्या दे दिया V2/V1 वॉल्यूम इज डबल और दिया टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, रिमेंबर कोई भी टेम्परेचर को हैंडल करने से पहले उसको एब्सोल्यूट स्केल में ले आना, एब्सोल्यूट स्केल में कितना हो गया 127 प्लस 273 इज 400 केल्विन, पूछा है व्हाट विल बी द वर्क डन 4 मोल्स ऑफ गैस, ये प्रोसेस क्या हो गया आइसोथर्मल वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन क्या हो जाएगा इट इज एन आर टी लॉग, लॉग मींस log to the base e, natural logarithmic base into V2/V1, आपको एक छोटी सी चीज मालूम होना चाहिए कि log 2 का वैल्यू 0.7 होता है, 0.693 होता है, हम लोग 0.7 करके याद रखें, ठीक है। तो इट इज कमिंग आउट टू बी n कितना दिया है भैया
in the air 4 moles of gas, gas constant is 2, temperature is 400 and this is 0.7. क्योंकि V2 by V1 का वैल्यू दिया है कितना 2, volume gets doubled. Ln 2 का वैल्यू याद रखना, सिर्फ ln 2 को लेके वो लोग क्वेश्चन देते हैं कभी कभार, ठीक है. तो क्यों याद रखें सर ln 2, बाकी चीजों को क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि पहले हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ते थे और केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, हाफ लाइफ आता है वहां पर एक ln 2 आता है और वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि लोग उसका वैल्यू को याद रख लेते हैं. ln 2 इज 0.693, जिसको हम यहां पर कैलकुलेशन के लिए 0.7 ले लिए. आई होप यू कैन कैलकुलेट दिस. कितना हो गया 0.7 * 400 हो गया ये 280, 560 एंड * 4 8 * 280 खत्म कहानी. आगे निकालो यार, मैं सब कुछ क्यों करूं. दिस मच क्या होगा यूनिट बताओ, यूनिट होगा कैलोरी में, क्योंकि R को हम लिए हैं, R को हम लिए हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, क्योंकि R को हम कैलोरी में लिए हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा वर्क होगा वो कैलोरी में एक्सप्रेस हो जाएगा. समझ में आया? नेक्स्ट, द प्रेशर इन ए टायर इज 2 एटमॉस्फेयर. क्या दिया है? इनिशियल प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर. अच्छा, एंड टेम्परेचर T1 कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ओ 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमें तो एब्सोल्यूट में चाहिए. 273 जोड़ो सो इट इज कमिंग 300 केल्विन. इफ इट बर्स्ट, टायर बर्स्ट कर गया, टायर बर्स्ट कर गया, व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ आउटकमिंग एयर. जब बर्स्ट करेगा बाहर हवा आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा. बर्स्टिंग इज ए सडन प्रोसेस. एनी सडन प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, यू नो. तो यहां पर पूछा है कि जब वो बर्स्ट कर जाएगा प्रोसेस बिकम्स एडियाबेटिक. अगर ये एडियाबेटिक हो गया तो बताओ बाहर आता हुआ एयर का टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है, बर्स्ट करने से जो बाहर का एयर आया, बाहर आया वो कौन सा प्रेशर में रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. सो P2 इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पूछा क्या है T2 कितना है बताओ. क्या हम एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर में कोई रिलेशन जानते हैं? हाँ जानते हैं ना. क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन इज PV^γ इज ए कॉन्स्टेंट. अगर हम इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी लिखना चाहेंगे वी शैल मेक यूज ऑफ द रिलेशन PV = nRT. अगर हम वी को इन टर्म्स ऑफ टी भगाने की कोशिश करेंगे तो वी की जगह लिख सकते हैं ना nRT/P. वी की जगह लिख सकते हैं nRT/P. nR कांस्टेंट है तो वी की जगह लिख सकते हैं T/P. तो ये क्या बन जाएगा T^γ/P^γ और ऊपर है पी तो बन गया P^γ-1. हम क्या कर दिए v के जगह ले गए प्रोपोर्शनल टू T/P क्योंकि nR कांस्टेंट है. सो दिस इज कांस्टेंट. अच्छा ये बात है. तो इतना अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम समझ गए, हमें P1 T1 दिया है, P2 दिया है, T2 पूछा है तो निकाल सकते हैं ना T2/T1 क्या हो जाएगा. So, यहां पर हम क्या कह सकते हैं T^γ = P^P1 बिकॉज T^γ-1. समझ में आ रहा है. और ये T^γ = P^P1 γ-1. क्या ये रिलेशन यहां से यहां पर समझ में आया. देखो T^γ/P^γ-1 = T^γ/P^γ-1 उसी से निकाला हूं T^T1 इधर हो गया P^P1. अब इसको थोड़ा सा और सजा के लिखूं तो ये बनेगा T^T1 = P^P1 whole^γ-1/γ. ये गामा इधर आ गया, 1/γ हो गया. और बात किसकी चल रहा है, एयर. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मोस्टली और दोनों डायटोमिक है.
तो एयर का जो गामा होगा वो डायटमिक गैस के लिए जो होता है वही होगा, मतलब 7/5। तो यहां पर गामा फॉर एयर क्या ले लेंगे, गामा फॉर एयर यू नो इज 7/5, ये हमें डाटा पहले से मालूम है। तो 7/5 माइनस 1/7/5, तो ऊपर हो गया 2/5, नीचे 7/5, 5/5 कैंसिल हो गया 2/7। P2 इज डबल ऑफ P1, P2 इज 1/2, सॉरी P2 इज 1/2, P2 इज 1, P1 इज 2, सो इट इज 1/2, सो इट इज 1/2 टू द पावर कितना हो गया, ये 7/5 माइनस 1 हो गया 2/7। कोई पूछेगा T2 कितना है सर, वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं, IIT JEE का क्वेश्चन है, ऐसे ही फॉर्म में था, 1/2 टू द पावर 2/7 फॉर्म में था। तो आपको होगा T2 कितना है, T1 इनटू दिस। तो क्योंकि आप समझदार हो, मैं सीधा इसी स्टेप में इसको भगाता हूं, आई राइट T2 इज इक्वल टू दिस मच इनटू T1, आपको कोई इतराज नहीं, हां सर यहां पर रखेंगे तो यहां पर भी रख दीजिए एक बार, हां रख दिए, यहां पर भी रख दिए, तो मिल गया आपको T2 का वैल्यू कितना, इट इज P2/P1 दिस दैट इज इक्वल टू T2/T1। क्या बात समझ में आया, थोड़ा मैथमेटिकली जगलेरी किया, आपको समझ में आ गया होगा, T2/T1 इज समथिंग, तो T2 क्या हो गया, T1 टाइम्स दिस, T1 हमें दिया गया है कितना 300 केल्विन, सो इट इज 300 इनटू 1/2 इनटू द पावर 2/7, इज इट अंडरस्टूड। आगे फाइंड वर्क डन इन सडन कंप्रेशन ऑफ 4 मोल ऑफ आर्गन फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T1 था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी था T2 माइनस T1 इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सडन कंप्रेशन, एन दिया है 4 मोल्स और सडन प्रोसेस है, सडन इंप्लाइज कौन सा, एडियाबेटिक, हीट ना बाहर गया ना अंदर आया, पूछा है वार्डन डेल्टा डब्ल्यू यू नो इज एन सी वी डेल्टा टी विथ ए माइनस साइन, व्हाई, क्योंकि हमें मालूम है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट ना बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है ना, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू इज माइनस एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी ऑलरेडी आपको मालूम है, माइनस साइन आया, एन दिया है 4, और किसकी बात चल रहा है, आर्गन सीवी फॉर आर्गन, सीवी फॉर आर्गन क्या हो जाएगा, किसी के लिए भी निकालो तो ये होता है R/γ-1, और गामा फॉर आर्गन यू नो इज 5/3, क्योंकि मोनोटॉपिक है ना, मोनोटॉपिक ये 5/3 है, और डेल्टा टी क्या ले लेंगे, डेल्टा टी ले लेंगे 5, नहीं सर एब्सोल्यूट के लिए, अरे एब्सोल्यूट स्केल में भी वही होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर ना, वो सेम ही रहेगा, R का वैल्यू 2 है, गामा का वैल्यू 5/3 है, 5/3 माइनस 1 इज 2/3, 3 गया ऊपर, 2 को खा गया, सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 60 कैलोरी, R का वैल्यू 2 डालना है, ध्यान रहे R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और गामा का वैल्यू 5/3, अब सिंपलीफाई करो माइनस 60 कैलोरी, व्हाट आर द माइनस साइंस, इट इज ए कंप्रेशन प्रोसेस, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द प्रोसेस इज कंप्रेशन, इस चीज को थोड़ा लिखने की जरूरत पड़ता है, कहेंगे नेगेटिव साइन सेज द प्रोसेस इज कंप्रेशन, इसीलिए चीजें नेगेटिव आ रहा है, एक्सपांशन होता तो प्रोसेस का वर्णन पॉजिटिव आता, ये हमें चीजें समझ में जो आया थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, सो दैट सो स्पेस विल बी कमिंग आउट, यस यस यस, तो हम कहेंगे ये जो वर्क हुआ ये नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कंप्रेशन ऑफ गैस और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंप्रेस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, मतलब ऊपर से जा रहा है हम नीचे खड़े हैं, ठीक है चलिए देखिए आगे, फिर एक गैस हुआ सडनली कंप्रेस्ड, अगेन सडनली कंप्रेस्ड, सडनली आया मतलब दिमाग में तुरंत क्या आ गया, एडियाबेटिक, फिर एक गैस ही सडनली कंप्रेस्ड मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, और
एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, पता चल गया। इट वॉज फाउंड दैट प्रेशर वैरीज एज क्यू ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या दिया है? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फाइंड सीपी फॉर द गैस। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे टी टू द पावर गामा बाय पी टू द पावर गामा माइनस वन इज ए कॉन्स्टेंट। मतलब पी टू द पावर गामा माइनस वन इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर गामा एंड पी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर गामा बाय गामा माइनस वन। दिया है कि पी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू। इसका मतलब हुआ कंपेयर करे तो क्या मिला? गामा बाय गामा माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। पूछा है सीपी क्या? ये तो सबको आता है। सीपी का फॉर्मूला क्या है? गामा आर बाय गामा माइनस वन। आर का वैल्यू टू है और ये वैल्यू थ्री है, सो इट इज कमिंग सिक्स कैलोरी पर मोल। जब भी कोई चीज पूछेगा ना, यूनिट के साथ लिखने की आदत डालो, कैलोरी पर मोल केल्विन। अंडरस्टूड। आगे नेक्स्ट। If W1, W2, W3 are the burden in expanding a gas to double volume in isothermal process, isobaric process and adiabatic process, then arrange them in ascending order. अच्छा, कैसा है क्या? चलो देखते हैं। बोल रहा है कि कोई एक गैस को हम एक्सपांड करेंगे। कैसे एक्सपांड करेंगे? वॉल्यूम को डबल कर देंगे। ठीक है, करते हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन अलग अलग प्रोसेस में करना है। मान लो कोई गैस का इनिशियल स्टेटस, चलो मानते हैं कि ये था, दिस वाज द इनिशियल स्टेटस ऑफ द गैस। अब ये गैस को हमें एक्सपांड करना है, डबल वॉल्यूम में यहां पर लाना है। ठीक है, गैस पहले ये वॉल्यूम में था और जस्ट मिनट, थोड़ा सा फिगर सुंदर हो जाने से समझ में आता है। हाँ, तो गैस पहले यहां पे था, स्टेटस था ये। अब ये आइसोथर्मली एक्सपांड किया गया, ये वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम टू भी है, वॉल्यूम डबल कर दिया गया। मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। चलो मानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपांड किए, तो इट गोज लाइक दिस। दिस इज द एक्सपांशन यूजिंग आइसोथर्मल। सर कैसे पता चला ऐसा हुआ? अरे मैं अस्यूम कर लिया कि ऐसा है आइसोथर्मल। आइसोबारिक के लिए करेंगे तो क्या होगा? आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। हमें सिर्फ वॉल्यूम वी से टू वी तक एक्सपांड करना है, तो तरीका क्या होगा? ऐसा, यस। तो ये हो गया आइसोबारिक। और कौन सा हुआ? एडियाबेटिक। नाउ इट इज एन एक्सपांशन प्रोसेस। हम लोग पढ़े हैं कि एडियाबेटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। स्लोप क्या होता है? डीपी बाई डीवी। स्टिफनेस स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज मोर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल कर्व। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बट दैट डीपी बाई डीवी इज मोर फॉर एडियाबेटिक कर्व। मतलब फॉर सेम डीवी डीपी इज मोर। मतलब एडियाबेटिक कर्व क्या आप गेस करके बता सकते हो इन दोनों के बीच में रहेगा कि उसके नीचे रहेगा? नहीं, ये ज्यादा स्टीप है, तो एडियाबेटिक कर्व यहाँ पे रहेगा। एडियाबेटिक कर्व, जिनको समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, प्रीवियस वीडियो को देख लो, हम लोग पढ़े कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व इन टर्म्स ऑफ द स्लोप। अच्छा, क्या दिया है? दिया है कि W1, W2, W3 आर द वार्डन इन एक्सपेंडिंग ए गैस टू डबल वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें वर्क हुआ है W1 आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें हुआ है W2 एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें हुआ है W3। एंड यू क्लेवर, यू नो द एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स द वर्डन। कौन सा वर्क सबसे ज्यादा है? W2। इसके नीचे जो एरिया है सबसे ज्यादा है, सबसे कम W3। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, W3 इज लेस देन W1 इज लेस देन W2। वार्डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, हाँ, सांस लेते। अब मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं और दो तीन क्वेश्चन है, पेशेंस, विल डू इट।
मैं जब क्वेश्चन बनाया इसमें कुछ फिगर मिसिंग था, मैं फिगर को थोड़ा देख के डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं क्वेश्चन लिखा था। अगला क्वेश्चन, ए गैस एट प्रेशर 4P एंड वॉल्यूम 8V वाज एडियाबेटिकली एक्सपांडेड टू प्रेशर 2P एंड वॉल्यूम 10V। इफ स्पेसिफिक हीट रेशियो इज 1.8, स्पेसिफिक हीट रेशियो इज 1.8, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या दिया? दिया है कि गैस का इनिशियल प्रेशर था P1 जो कि 4P है, V1 8V है, और फाइनल प्रेशर P2 इज 2P है, और वॉल्यूम इज 10V है। सो इन टर्म्स ऑफ P एंड V एवरीथिंग इज गिवन। और क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा, गामा इज 1.8। क्या है यूनिट गामा का? अरे सीपी बाई सीपी है, यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट रेशियो। अच्छा, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिया है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब डेल्टा क्यू इज 0, मतलब डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और ये माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस वन। सब कुछ दिया हुआ है, देखो भाई 4P × 8V इज 32 PV, P2 V2 2P × 10V इज 20 PV, माइनस साइन, बाहर एक माइनस साइन है भैया, उसको छोड़ना मत, गड़बड़ फैला देगा, वो गड़बड़ फैला देगा, ये माइनस साइन है बाहर, और ये हो गया 20 PV बाय गामा माइनस वन, मतलब 1.8 माइनस वन 0.8, तो ऊपर कितना हुआ? 12 PV बाय 0.8, 12 pv by 0.8 is 120 by 8 is 15, 15 pv, so it is coming out to be minus 15 pv, so internal energy decreases by 15 pv, क्या कहेंगे? What is the change in internal energy? Negative आया मतलब internal energy decreases, internal energy decreases by 15 PV। In terms of P and V क्वेश्चन दिया है, तो P and V में भी हम आंसर देंगे, जैसे पूछेगा ऐसे ही देंगे, है ना? समझ में आ रहा है? Let's see next question। In a conducting cylinder, 4 moles of hydrogen at 27 degree centigrade was slowly expanded till the pressure decreases by 75%। देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है प्रेशर डिक्रीजेस बाय 75%, मतलब इनिशियली प्रेशर अगर पी था, अब 75% डिक्रीज हो गया है, मतलब कितना बच गया है? 25% पी, मतलब पी बाय 4 हो गया है। बस ये स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, पी बाय 4 हो गया है, प्रेशर डिक्रीजेस बाय 75%, मतलब अभी 25% रह गया है, मतलब पहले अगर पी था अब पी बाय 4 है, ठीक है। P1 P2 दोनों दे दिया है, और टेम्परेचर भी तो दिया है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यू नो इट इज सेम एज 300 केल्विन। कैसे किया है? एट ए टेम्परेचर, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कर दिया है। अच्छा, एन कितना दिया है? 4 मोल्स। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, तो फिर वार्क का फॉर्मूला सबको मालूम है, nRT ln P1 by P2। हाँ, V2 by V1 होता है, but P1 V1 is equal P2 V2, we know nRT ln V2 by V1, P1 V1 is equal P2 V2, so V2 by V1 is P1 by P2, so you find N is given 4 moles, R you know is equal to T is 300 ln P1 by P2, ln P1 by P2 हो गया कितना? ln P1 is P, P2 is P by 4, P by P by 4 is ln 4,
लॉन टू का तो याद रखे थे, क्या लॉन फोर का भी याद रखना पड़े? अरे नहीं रे, लॉन फोर की जगह हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉन टू का स्क्वायर, तो ये टू इधर आ जाएगा, log a square is equal to 2 log a, so it is coming 2 इधर आ गया, 2 2 4, 4 4 16, 16 with 3 is 4 8 0 0 into log 2, और log 2 का value है 0.7, so it is 4800 into 0.7, बाकी का calculation आप लोग खुद करो, this much, क्योंकि हम r को calorie में लिए हैं, answer होगा calorie, डेल्टा डब्ल्यू इज दिस मच कैलोरी। क्या बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पी वर्सेस टी डायग्राम ऑफ 3 मोल्स ऑफ हीलियम इज शोन इन फिगर। पी वर्सेस टी डायग्राम ऑफ 3 मोल्स ऑफ हीलियम इज शोन इन फिगर। अच्छा, ये फिगर थोड़ा मिसिंग है, मैं ड्रॉ कर देता हूं, और ड्रॉ कर देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यस, P वर्सेस T डायग्राम ड्रॉ करना है किसी हीलियम गैस के लिए। कैसा है डायग्राम? कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, डायग्राम ऐसे दिया है कि ये जो आपका टेम्परेचर है, मान लो कि ये P0 है, इधर इधर दिया है P0, इधर दिया है T0, इधर दिया है 4T0, ऐसा करके दिया है। P वर्सेस T डायग्राम फॉर 3 मोल्स ऑफ हीलियम। गामा फॉर हीलियम यू नो इज मोनोएटॉमिक, सो 5/3 सॉल्यूशन की बात करें, इज शोन इन फिगर। फाइंड डेल्टा W, डेल्टा U, डेल्टा Q। ओ तो प्रोसेस तो ऐसे बारीक है, P कांस्टेंट दिख रहा है एज पर द फिगर, फिगर मिसिंग था, मैं बता दिया आपको, प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, तो फिर तो आप हो गए वर्क इज नथिंग बट एनआर डेल्टा टी। एनआर डेल्टा टी मतलब 3, आर का वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और डेल्टा टी आर को आर ही रहने दो, लेट अस गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ आर। शायद ऐसा ही कुछ हो चाहता है क्योंकि टेंपरेचर का वैल्यू भी नहीं दिया है। इट इज 4T0 माइनस T0, इट इज कमिंग 3T0, सो इट इज 9R T0 डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर? पूछा है डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू क्या होता है? कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, एनसीपी डेल्टा टी। आप क्लियरली देख रहे हो कि जो डेल्टा टी है क्या है इस फिगर में, 4T0 माइनस T0, डेल्टा टी इज 4T0 माइनस T0 व्हिच इज 3T0, ये मालूम है। तो एनसीपी डेल्टा टी क्या हो जाएगा? CP किसके लिए? हीलियम के लिए, और आप जानते हो कि N का वैल्यू है 3, CP होता है गामा R बाय गामा माइनस 1 इनटू डेल्टा T, तो डेल्टा T गामा पर हीलियम इज 5/3। थोड़ा सोचे, सब कुछ ओरली करने की कोशिश करेंगे, बेकार का क्या इतना बहुत ज्यादा लिखना है, आप लोग समझदार हो, टीचर इज गुड, चिल्ड्रन आर गुड, तो मैनेज हो जाएगा ना काम। हाँ चलो देखते हैं, तो यहाँ पे आपका गामा क्या है, गामा इज 5/3, 5/3 ये 5/3 माइनस 1 हो गया 2/3, 5/3 बाय 2/3 इज इक्वल टू 5/2, सो इट इज 15R/2, इट इज कमिंग 15R/2, और डेल्टा टी की जगह 3T0, तो कितना हो गया 45R T0 by 2। डेल्टा क्यू मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू मिल गया भैया। अभी आपको पूछा क्या है, डेल्टा यू। ओ डेल्टा यू, डेल्टा यू भी निकाल सकते थे हम लोग, हम तो डेल्टा यू नहीं निकाला, हम डेल्टा क्यू पहले निकाल दिए। एनीवे, अगर डेल्टा यू निकालना है तो फिर से आप एनसीवी डेल्टा टी कर सकते हो, लेकिन दो निकालने के बाद तीसरा को निकालने के लिए एनसीवी डेल्टा टी करना थोड़ा बहुत बेवकूफी कहलाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो डेल्टा यू आप निकालना चाहते हो, दैट इज नथिंग बट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये हो गया 22.5 RT0, ये हो गया 9 RT0, 22.5 RT0 प्लस 9 RT0, ये मिलके कितना हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 22.5 RT0
माइनस 9 R2 0 तो हो गया 13.5 R T 0, ये हो गया 22.5 R T 0, ये है 9 R T 0, माइनस करो 13.5 R T 0, इतना तो समझ में आता है। एनीवे लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। इन ए रिजिड इंसुलेटेड बॉक्स देयर आर 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट टेंपरेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अनदर बॉक्स देयर इज 3 मोल्स ऑफ हीलियम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ दे आर ब्रॉट टू थर्मल कॉन्टैक्ट बाई ए कंडक्टिंग बार देन व्हाट विल बी कॉमन टेम्परेचर। क्वेश्चन थोड़ा फूका है, थोड़ा देखें, बोल रहा है कि इन ए रिजिड इंसुलेटिंग बॉक्स, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा ले लेते हैं, ये कोई एक रिजिड इंसुलेटिंग बॉक्स है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बॉक्स का दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन ऐसा है, एक पार्टीशन ऐसा है, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह अलग अलग दिया है। एक तरफ क्या है, एक तरफ है देयर इज 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, पहले हम हाइड्रोजन भरे इसमें एक तरफ, लेट अस, ये हो गया हाइड्रोजन। दूसरी तरफ क्या है, 3 मोल्स ऑफ हीलियम, अच्छा 3 मोल्स ऑफ हीलियम, तो हीलियम को भरे, ठीक, तो ये हो गया 5 मोल हाइड्रोजन एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 3 मोल्स ऑफ हीलियम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, रिजिड इंसुलेटिंग बॉक्स है, रिजिड इंसुलेटिंग मतलब ना हीट अंदर से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है, रिजिड है ना एक्सपैंड हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सो इट कैन नॉट डू एनी वर्क नॉर इट कैन ट्रांसफर एनी हीट टू द सराउंडिंग और अब्सॉर्ब एनी हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इफ सच टू सिस्टम्स दे आर ब्रॉट टू थर्मल कॉन्टैक्ट, कैसे कॉन्टैक्ट में लाएंगे, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एक है वो ज्यादा टेम्परेचर में, दूसरा लो टेम्परेचर में, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, आई जॉइन ए कंडक्टिंग बार, इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ एक कंडक्टिंग बार भर देता हूँ। अब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट फ्लो करने लगेगा थ्रू ए कंडक्टिंग बार, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा हीट फ्लो करना बंद कर देगा। पूछा है व्हाट विल बी द कॉमन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताओ, ठीक है, लेट्स से देयर इज द फाइनल टेम्परेचर इज T0, लेट T0 इज फाइनल टेम्परेचर, अच्छा व्हाट इज द वार्डन बाय दिस गैस, इसका तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वार्डन बाय दिस गैस कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, नो वर्क, यहां पर भी कोई वर्क नहीं हुआ, यहां पर भी कोई वर्क नहीं हुआ, अब ये हाई टेम्परेचर से हीट इसमें फ्लो किया, हीट लिया, हीट लेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि कोई वर्क नहीं हुआ है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, इधर ये हीट दिया हाई टेम्परेचर से हीट भाग है तो डेल्टा यू घटेगा, तो इधर भी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है, इधर भी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है, जितना हीट ये दिया उतना ही हीट ये लिया, मतलब इसका जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा उसका उतना ही इंटरनल एनर्जी घटेगा, एज डेल्टा डब्ल्यू इज 0 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, सो डेल्टा यू और हम कहेंगे गेन इन इंटरनल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू गेन और लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर हीलियम, हाइड्रोजन जितना इंटरनल एनर्जी गेन करेगा ये उतना इंटरनल एनर्जी लॉस करेगा, क्यों, क्योंकि जो हीट ये दिया वही दिया, नो वर्क इज डन, ये जितना हीट दिया सारा उसका इंटरनल एनर्जी बन गया, ये इतना जितना हीट छोड़ा कोई वार तो नहीं हो उतना इंटरनल एनर्जी घट गया। अच्छा तो इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है 30 से बढ़ के हो गया T0, इसका डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है 50 से घट के हो गया T0 ना, चलिए अब इसके लिए वैल्यूज लिखते हैं,
ये स्टेटमेंट को अगले स्टेप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी, डेल्टा यू फॉर हाइड्रोजन इज माइनस ऑफ डेल्टा यू फॉर हीलियम, सर माइनस वाई, बिकॉज एक का बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है, एक का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, एन सी वी फॉर हाइड्रोजन इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या है, अब हो गया टी जीरो, पहले था 30, सर एब्सोल्यूट करिए, अरे जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग चेंज इन टेम्परेचर, बी दैट इन सेल्सियस स्केल और इन केल्विन स्केल, इट नो बी मैटर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस, ये एन वन था, इधर एन टू मोल्स ऑफ हीलियम, तो एन सी वी फॉर हीलियम क्या लिखेंगे, पहले था 50, हो गया टी जीरो, सबको हो गई टी टी जीरो माइनस 50, तो इसलिए माइनस एन को हम बाहर रखें, अगर माइनस एन नहीं रखते तो यहां पर लिखते 50 माइनस टी जीरो, इसका इंटरनल एनर्जी घटा, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा, समझ में आया, क्या ये बातें समझ में आ रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन का जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ा है उसका उतना ही इंटरनल एनर्जी घटा है, अगर ये माइनस साइन बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो छोड़ो इसको, यहाँ पर लिखो 50 माइनस टी जीरो, टी जीरो माइनस 50, ये कर लो इसे, बात समझ में आएगा, हम कहेंगे इसका इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ गया, चलो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को माइनस साइन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, सो इस स्टेटमेंट को थोड़ा मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे बताओ, राइज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू फॉल ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ फॉल ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम, क्या मेरी बात समझ में आया, इंटरनल एनर्जी इसका जितना बढ़ गया उसका उतना घट गया, कितना बढ़ गया इंटरनल एनर्जी, कितना बढ़ गया, उसमें कितना मोल था, 5 मोल था, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, बन गया अब टी जीरो, बढ़ गया कितना, यू से 5 मोल्स इंटू सी वी फॉर हाइड्रोजन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, याद है ना, सो इट इज 50, अब हो गया टी जीरो, पहले था 30, ये हो गया राइज इन इंटरनल एनर्जी, इसका जितना फॉल हुआ है, कितना फॉल हुआ है, ये क्या रखा था, 3 मोल्स ऑफ हीलियम, दैट इज 3 मोल इनटू सीवी फॉर हीलियम इनटू डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर फॉल कर गया है, पहले था 50, अब हो गया है टी जीरो, इतना टेम्परेचर फॉल कर गया है, फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन इंटरनल एनर्जी, राइज इन इंटरनल एनर्जी होता है एनसीवी टी टू माइनस टी वन, फॉल इन इंटरनल एनर्जी होगा एनसीवी टी वन माइनस टी टू, पहले टेम्परेचर था टी वन 50 और बाद में कॉमन टेम्परेचर टी टू टी जीरो हो गया, समझ में आ रहा है, अरे यार कोशिश करो सारा चीज को इतना फैला के समझाएंगे तो आप क्या इंजीनियर बनोगे आगे चल के, तो इट इज कमिंग आउट टू बी, और आप जानते हो कि सीवी का वैल्यू ये 5 है, सीवी होता है आर बाई गामा फॉर हाइड्रोजन माइनस वन, R by gamma minus 1 ना, 7 by 5 minus 1 into T0 minus 30 is equal to 3 into R by gamma for helium, gamma for helium होता है 5 by 3 minus 1 into 50 minus T0, R R cancel हुआ, आप further चाहो तो simplify कर सकते हो, this is coming 2 by 5 ऊपर गया 25 by 2, so it is 25 by 2 T0 minus 30 is equal to 25 minus 2 T0 minus 30 is equal to 3 into ये कितना हो गया 2 by 3 it is 9 by 2 50 minus T0 ये 2 फिर से खा गया एक दूसरे का सिंपलीफाई करें तो 25 T0 ये 9 T0 हो गया 34 T0 is equal to ये हो गया -750 और ये हो गया 450 उधर गया तो
प्लस हो गया 1200 और T0 इज 1200 बाय 34 डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आया प्लस टू। सो फाइनल टेम्परेचर विल बी समथिंग क्लोज टू 35-36 डिग्री है ना। ठीक है, अगर 36 डिग्री होता तो ये 1224 होता, 1200 मतलब 35.5 सोच लो ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो ऐसा है। नेक्स्ट पीवी डायग्राम ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस इज शोन, कमेंट ऑन वेरिएशन ऑफ इंटरनल। यहां पर ये डायग्राम थोड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूं, आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन दिया है कि पीवी डायग्राम कोई एन मोल्स ऑफ गैस के लिए दिखाया गया है। पीवी डायग्राम इज शोन फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग था, मैं कर देता हूं क्वेश्चन। यहां पर दिया है कि कोई पीवी डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, अजीब गरीब टाइप का पीवी डायग्राम, कौन सा प्रोसेस है कोई जानकारी नहीं, बस दिया है तो हम ले लें। क्या दिया है इसमें, दिया है इसमें कि जो पीवी डायग्राम है इसमें ये प्रेशर वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ये करिस्पोंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट में और इस पोजीशन में, ये सब हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि ये थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा ये चीजें भगाते हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो यार, मैं तो पढ़ूंगा। ये पीवी डायग्राम है, ये एरो मार्क ऐसे दिया हुआ है और ये P है, ये V है। तो ये इनिशियल स्टेटस था, ये फाइनल स्टेटस है और PV डायग्राम में इनिशियल और फाइनल वैल्यूज दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो हम कहेंगे कि ये था 4P और ये V, ये 4V, ये P, ऐसा दिया गया है। फाइन, ऐसा दिया गया। क्या पूछा है बताओ, पूछा है, पूछा है कमेंट ऑन वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बस इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा लिखने वाली चीज है नहीं। आप देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन क्या है। हम जानते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी एंड दैट इज एनसीवी टी टू माइनस टी वन। अगर T2 T1 से ज्यादा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको होगी इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी घट रहा है, ये जानकारी सबके पास है। और आपको ये मालूम है कि टेम्परेचर इज PV बाई NR। हाँ सर, ये तो मालूम है। देखो तो शुरू में टेम्परेचर क्या था, 4P into V, यहां पर टेम्परेचर क्या था 4PV बाई NR और यहां पर क्या था 4PV बाई NR, क्योंकि यहां पर प्रेशर पी हो गया लेकिन वॉल्यूम फोर भी हो गया, मतलब यहां का टेम्परेचर बराबर है। लेकिन क्या रास्ते में हर जगह प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर होगा, नहीं, हर जगह प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर होता तो हम कहते कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी नहीं बदल रहा। इसमें हर जगह प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है कैसे पता चला, अरे अगर हर जगह प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, हम क्या कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और वो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होता, ये आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन ये तो ऐसे फ्लैट दे दिया नहीं। इसका मतलब हुआ यहां पर P1 V1 जितना है, यहां पर P2 V2 उतना होगा, यहां पर P3 V3 उतना होगा, यहां पर P4 V4 उतना ही होगा, बिकॉज इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई हैव एक्सप्लेन। तो इस पॉइंट को लेके अगर P1 V1 जितना निकालेंगे वो ज्यादा है कि इस पॉइंट को लेके P1 V1 निकालेंगे तो ज्यादा होगा, P1 V1 will be more for this, you clearly see the product is coming out to be bigger area, नहीं? हाँ, ये bigger area है, bigger area मतलब यहां पर इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट का वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, The product PV is increasing, 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 फिर decrease करके फिर से original value में आ जा रहा है। From this diagram it is understood that the product PV is increasing to a maximum value and then again decreasing to the original value. Here first T increases and then T decreases.
टिप ऐसे थोड़ा डिटेल्स में लिखते हैं, थोड़ा समझा के लिखते हैं, जगह भी तो कम है, थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे यहाँ पे। यस लेट अस राइट हियर टी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस टू ओरिजिनल वैल्यू। फर्स्ट इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा किसमें, टू दी ओरिजिनल वैल्यू। बात समझ में आया? सो व्हाट यू विल से, दी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। सिंपल सा चीज है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ जो खिलवाड़ होगा वो इंटरनल एनर्जी के साथ भी होगा, देन डिक्रीजेस। पूछा है फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने का तरीका क्या है भाई? हम तो कहेंगे टेम्परेचर का फॉर्मूला है पी वी भाई, है ना, एन तो कॉन्स्टेंट है और आपका पी वी डिसाइड करेगा। जब पी वी सबसे ज्यादा होगा तब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एनआर कॉन्स्टेंट है ना, एनआर कॉन्स्टेंट है, तो पी वी जब ज्यादा होगा तो आपको हो गया कि आपका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। पी वी कब ज्यादा होगा? पी इंटू वी द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। आप जानते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ रहा है फिर घट के ओरिजिनल वैल्यू में आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि पी वी विल बी मैक्सिमम एट द मिड पॉइंट बिकॉज इट्स ए लीनियर वेरिएशन। यहां पे मैक्सिमम होगा यहां पे। एंड यू स्मार्ट यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द वॉल्यूम हियर एंड व्हाट इज द प्रेशर हियर। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो आपको के वॉल्यूम होगा दिस प्लस दिस बाय 2, इट इज 5v बाय 2, और प्रेशर क्या होगा दिस प्लस दिस बाय 2, इट इज 5p बाय 2। समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमागी खेल हो गया, अब डोंट वरी, दिस इज फॉर ऑल जेई एंड ऑल दैट, थोड़ा सा एक्टिव कर दिए। तो पीवी का जो प्रोडक्ट है, पीवी इज मैक्सिमम। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ नीचे वाला, यस यस ये वाला चीज को खत्म नहीं हुआ, स्पेस बन गया यहाँ पे, थोड़ा इसको छोड़ देते हैं। चल भाई तू इधर, ध्यान दिख लीजिए, ठीक है। पीवी प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी प्रेशर एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन, इज मैक्सिमम व्हेन इक्वल टू कितना, 5p बाय 2 इनटू 5v बाय 2 इज इक्वल टू 25 बाय 4 पीवी। तो पीवी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 25 बाय 4 पीवी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर, टी मैक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस इज पी इंटू वी में ये ना फॉर्मूला, पी इंटू वी कितना निकल गया भाई, 25 पीवी बाय 4 इंटू एन आर इंटू एन आर। क्या ये एन आर वैल्यू दिया है? नहीं, एन मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। सो द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज 25 पीवी बाय एन आर, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीथिंग, प्लीज मेक नोट्स, जहां चाहिए पॉज लगाओ वहां पर उसको दोबारा करो, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।